हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नया ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस, मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं था, ना ही यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, ना ही इंस्टा पे एक्टिव हूँ, ना ही किसी और भी जगह एक्टिव हूँ। तो गाइस, थोड़ा सा व्यस्त था। आप लोग थंबनेल देखकर के आप लोगों को पता चल ही गया होगा, थोड़ा अपना मैं घर बनवा रहा हूँ। देखिए आप लोग, ये देखिए, ये थोड़ा अभी घर का काम चल रहा है, इसके वजह से मैं व्यस्त था। तो गाइस, अभी लगभग जो पिलर का काम सब था, बेस का लगभग, उसका काम लगभग हो चुका है। बस इस पर अभी मिट्टी यहाँ तक अभी भराएगा। अभी देखो, मतलब मेरे हाइट के बराबर मिट्टी भराएगा लगभग। तो अभी मिट्टी तो अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो मिट्टी में लगभग मिलेगा धान उन कटने के बाद। और धान कटने के बाद अपने ही खेत में से इतना मिट्टी कट करके यहाँ पर बढ़ा जाएगा। तो इसके वजह से अभी काम रुक जाएगा इस पर, मतलब काम थोड़ा सा भी रुक जाएगा, क्योंकि जब तक मिट्टी नहीं भरेगा तब तक आगे का काम नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग को दिखाते हैं घर कैसा बनवा रहा हूँ आप लोग, ओके, बने रहे वीडियो में। तो गाइस, एक साइड से देखिए आप लोग, ये वॉल नहीं, सब बेस में, सब अंदर में चला जाएगा, ये जितना देख रहा है आप लोग को। कुर्सी का लेवल हो गया, कुर्सी का लेवल हो गया ना, कुर्सी का लेवल हो गया है। अच्छा, एक मिनट, ये कुर्सी का लेवल हो गया, लगभग यहाँ तक मिट्टी चला जाएगा। देखिए अभी जितना ही जो वॉल जो हुआ है, उसके बाद भी यहाँ तक लगभग चला जाएगा सब। ढलाई होगा एक फुट, एक फिट ना, एक फिट अभी और ढलाई होगा उसके बाद, और ये सब मिट्टी में चला जाएगा। एक मिनट, तो इधर पहले घर पहले दिखा देते हैं, उसके बाद उधर बात करवाएंगे आपको। अभी इधर टंकी खनाएगा, इधर मतलब वो टॉयलेट का जो होता है, सो यहाँ पे टंकी खनाएगा, क्योंकि अभी मतलब 2 फीट अगर खन रहे हैं तो 2 फीट में ही पानी लगभग आ जा रहा है ऊपर से। तो ये टंकी तो लगभग काफ़ी गड्ढा खनाएगा, लगभग 5 फीट के करीब में नीचे में रहेगा, और ऊपर में तो देख ही रहे हैं आप लोग कि लगभग इतना खाना है। तो और इधर आप लोग देखिए, ये रूम हो गया, इधर 2 रूम, मतलब एक इधर एक रूम होगा लगभग वही 12 बाई 10 का, एक इधर होगा एक इधर होगा। इसके बाद इधर हो गया हॉल, हो गया ये हॉल होगा लगभग, ये हॉल होगा आपका 25 बाई 12 का यहाँ पे हॉल हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद इधर फिर से ये 6 फीट, ये जो देख रहे हैं, एक ये पिलर, ये हो गया क्या बोलते हैं उसको, मतलब आने जाने के लिए, हॉल में जाने के लिए गेट हो गया, पैसेज हो गया। फिर इधर आइए, इधर आपको एक रूम इधर हो जाएगा 11 बाई 10 का, और एक इधर जो काम कर रहे हैं अंकल जी और पापा, ये पापा हो गए मेरे, और ये अंकल जी काम कर रहे हैं। तो इधर इधर हो जाएगा ये, मतलब टूट करके एक इसमें बन जाएगा। और इधर अभी 7 फीट, अभी इधर लगभग 7 फीट बरामदा अभी इधर आगे तरफ जाएगा। तो अभी जब तक मिट्टी उट्टी नहीं भराएगा, क्योंकि अभी अगर आगे से पिलर अगर लग जाएगा तो फिर मिट्टी भरने में प्रॉब्लम होगा, इसके वजह से आगे का पिलर अभी नहीं दिया है, और पीछे का भी पिलर अभी नहीं दिया है, क्योंकि पीछे का पिलर अगर अभी दे देंगे तो फिर वो माटी वहाँ पे गड्ढा करने में फिर प्रॉब्लम हो जाता है, गड्ढा उड्ढा नहीं हो जाता तो पिलर लगेगा। 6 पिलर अभी बाकी रह गया, तो अब पहले मिट्टी भराएगा, उसके बाद भी कुछ काम आगे बढ़ा जाएगा। दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं कि काम, देखते हैं कैसे कैसे काम हो रहा है। ओके गाइस, बने रहिए। देखिए कमलेश काम कर रहा है,
कमलेश का काम जारी है ना, कमलेश ना, कमलेश कमलेश का काम जारी है। देखिए इधर नहीं, सरकारी मिस्त्री कैसे सर, काम कमलेश का काम जारी है इधर। इलास्टिक पिलर आती है वैसे ना बनाने के। थोड़ा धूप ज़्यादा हो कमलेश ना रे, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, तनखा देर के काम है। आँख नहीं खुला जा रहा गाइस। ए मन लगी जी पानी पटावे में। देखिए ये थोड़ा सा बालू सीमेंट उब रहा है तो अपना मिस्त्री नहीं कर रहा है, उसका औजार देखिए खुरपी से ये काम कर रहा है। और इसमें इसमें जो ऑमलेट वगैरह बनता है इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या बोलते हैं, फ्राई पिन फ्राई पिन बोलते हैं। फ्राई पिन में अपना देखिए मसाला रखे हुआ है, बालू सीमेंट गिट्टी और खुरपी से अपना ये रिपेयरिंग कर रहा है। भाई दिमाग का बहुत तेज है, बहुत तेज है, देख रहा पूरा इसका औजार सब देखते हैं। इसी से ही जाता है दूर दूर मकान, बड़ा बड़ा मकान सब बुर्ज खलीफा जो आप लोग जो देखते होंगे इसी औजार से तैयार किया है, यही तैयार किया है। कितना टाइम लगा था बुर्ज खलीफा बनाने में दुबई में? साल बाद एक साल एक साल में बन गया था पुलिस पूरा फाइनल कर दिए। अच्छा एक साल में। इधर इधर कैमरा ऊपर देखिए ना ऊपर, कहाँ पढ़ते आप? आड़ी बाड़ी में। अरे करते हैं तो इसीलिए इतना दिमाग तेज हो गया हुआ है ना। अच्छा आड़ी बाड़ी में देखिए मकान बनाते हैं बुर्ज खलीफा जैसा मकान सब। एक साल में कम्प्लीट कर दिए, टाइल्स लगा कर टाइल्स सब लगा करके। जानते हैं बुर्ज खलीफा क्या है? क्या है समय नहीं मालूम,
घर बनाने के लिए बोला है तो बना दिए। बना दिया, जान के क्या करना है, घर बनाना है इसको। बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मकान वही है। वो सब नहीं जानना है हमको, घर बनाने पैसा मिला है, घर बना दिया है एक साल के अंदर, इसी औजार से बनाए थे ना। इसका तो नीलामी होगा करोड़ों में इस औजार का। ये सब बहुत बड़ी आदमी से किन्ने आता है, ये वाला बहुत सब किन्ने आता है, बहुत बड़का बड़का आदमी से किन्ने आता है। मज हम नहीं बेचते हैं। अच्छा, फिर घड़ी जो देखते हैं उसी के कमाई में रोलेक्स घड़ी पहने हुए है। कितना, 3.5 लाख के? नहीं नहीं, 3.5 लाख का घड़ी है, रोलेक्स है ना? ना, रोलेक्स, रोलेक्स है। कहां से, बिजनौर से खरीदे? ना ना, बाहर से आए हुए, बहुत दूर से, बहुत दूर, फॉरेन एक्सपोर्ट। तो एक बार वीडियो को हाय बोल दीजिए, हाय में बोल दीजिए वीडियो में। हाँ, बोलिए कि बुर्ज खलीफा जैसा मकान बनवाना होगा तो संपर्क कीजिएगा। मोबाइल नंबर है 9133900000। उसके बाद एक 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 लास्ट में 10 बार लगाइएगा, डायरेक्ट इसी पे लगेगा, 102 नंबर पर 102। तो चलिए गाइज, तो गाइज आज का कंप्लीट हो गया। अब मिट्टी वगैरह जो भराएगा, मिट्टी जब भराएगा उसके बाद अब काम स्टार्ट होगा। अभी काम लगभग जितना लगभग टोटल अभी फिलहाल अभी 18 गो के आसपास में पिलर है, अभी काम हुआ है 11 से 12 गो पिलर का काम हो गया है। अब मिट्टीकरण होगा, मिट्टी भराएगा, उसके बाद आगे का काम आगे बढ़ेगा। अभी काम तो अभी एक से दो महीना काम अभी रोकना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी तो अभी भराएगा नहीं। तो अब से अब वीडियो अब कंटिन्यू स्टार्ट होगा, कंटिन्यू ब्लॉग भी आएगा, कंटिन्यू इंस्टा पर भी वीडियो आएगा। तो गाइज बने रहिएगा। अभी बाकी जो रूम जो देख रहे हैं, इसमें लगभग 4 रूम, 1 हॉल और 3 टॉयलेट बाथरूम साथ में अटैच रहेगा, रूम से ही, एक बाहर, 2 रूम से ही अटैच। तो अब वीडियो भी कंटिन्यू आएगा, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, और आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि और जल्दी से जल्दी घर मेरा बन के तैयार हो जाए। आप लोग जितना ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा उतना जल्दी घर बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइज मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।